नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो इमरजेंसी में आप उसे क्या दवा देंगे, कौन सी दवा दें ताकि उसको जो है बचाया जा सके। जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे उससे पहले एक दवाई आप खिला दीजिए ताकि उसको जो है हार्ट अटैक आते समय, और हार्ट अटैक अगर उसको आ भी गया है तो डॉक्टर के पास पहुँचने तक उसकी जान बचाई जा सके, वो टेबलेट आपके जेब में हमेशा होनी चाहिए। और मैं तो सलाह दूंगा हर व्यक्ति की जेब में, पॉकेट में या पर्स में उस टेबलेट को रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उस टेबलेट को आप जेब के नीचे रख देंगे तो तुरंत वो एक्शन करेगी। आप हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हो, हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हो, लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर के पास मरीज को लेके जाना है। तो उस टेबलेट का मैं नाम आपको बताने वाला हूँ, टेबलेट सोर्बिट्रेट 5 mg, और कुछ ही देर में वो फर्क आपको दिखाएगा। सोर्बिट्रेट 5 mg की टेबलेट आपको जीभ के नीचे रखनी है जिससे आप हार्ट अटैक किसी भी व्यक्ति को आया हो तो डॉक्टर के पास जाने तक उसको समय मिल जाता है और हार्ट अटैक से उसको बचाया जा सकता है, उसकी जान जाने से बच सकता है। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि आप इस दवा को हमेशा अपने पास रखें और इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को लगता है कि हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उसको एक टेबलेट खिला देना जरूरी है और इससे आप मरीज की जान बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कॉमेंट करें। धन्यवाद।